दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है 3306 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ये भर्ती जो है और कोई नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती है। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधीन जिला न्यायालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती होगी और इसके अंतर्गत आपको जो है ये आशुलिपिक है ना, इसमें आपको 583 पद हैं। इसमें जो कनिष्ठ सहायक और जो है देव प्रशिक्षक, इसमें 1054 हैं। ये ड्राइवर के 30 पद हैं और आपके चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के यहाँ पे जो है ये 1639 पद यहाँ पर हैं। 24 अक्टूबर से इसके जो है 24 अक्टूबर तक जो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर जो है ये, और कल से स्टार्ट हो जाएंगे 4 तारीख से। और देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ये मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, जो है ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें जो है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत यहाँ पे जो है ये जिला न्यायालय में 3306 पदों पर जो है अधिकृत 24-25 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसमें हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जो सूचना प्रस्तावित कर दी गई, इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखी है, तो यहाँ पर जाकर ये वाला फॉर्म जो भर दीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ कक्षा 6 से लेकर स्नातक तक योग्यताधारी 18-40 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें शैक्षिक योग्यता जो आपको देख लीजिए, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और है ना, तो वेबसाइट ये रखी है और यहाँ पर भी आप भर सकते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से पद हैं देख लीजिए, आपको टूबल ऑपरेटर हो गया, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्रोसेस सर्वर हो गया, अर्दली है, चपरासी है, कार्यालय चपरासी है, और आपका चौकीदार है, गेटमैन है, स्वीपर है, ये माली है, कुली है, ये ठीक है, लिफ्टमैन है। ये सभी पदों पर हाईकोर्ट की जो है ओर से ये ऑफलाइन यहाँ पर जो है ये ओमर सीट पर यहाँ पर जो है ये परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपकी अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर भी ये सब इसमें जो है इसमें भर्ती होंगे। 18-40 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो नहीं जानते उनको एक बार मैं बताना चाहूँगा, पहले मैं जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड ही 400-500 वीडियो डाल चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में यहाँ पर जो है ये क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता, ये देख लीजिए। पहले मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की वीडियो बनाता था, आज से जो है 3-4 साल पहले की बात, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप सी क्या क्या काम होते हैं, सैलरी कितना होता है ऑफिस में। अगर आपने ये अलग वीडियो नहीं देखा तो देखिएगा, यहाँ पर देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के बाद क्या होता है, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, है ना। और जज जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोसेस सर्वर के नियम कौन कौन से होते हैं, प्रोसेस सर्वर अगर आप बनेंगे तो कौन कौन सैलरी करना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी होती है, मतलब वही चीज़ इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रमोशन कैसे होता है ग्रुप डी का, मतलब इतनी सारी 400-500 वीडियो बना चुका हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में APS और PA क्या होता है ना। तो मैंने आपसे बोला था इतनी अच्छी ये पहला वीडियो बनाता था, यहाँ पर जो है ये अब मैं नहीं बनाता हूँ, आप सभी जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप सी प्रमोशन पावर मेरी अर्दली से बात हुई, ये पहला इलाहाबाद हाईकोर्ट में 400-500 वीडियो बना चुका हूँ। जो नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ जो है मेरा ओल्ड वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनेगा। अभी कैसे बनेगा वो सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि जितने भी जो हैं परिवार हैं उनको हम ऋण देंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ देंगे फैमिली आईडी और गलत सूचना पर होगी कार्रवाई। मतलब क्या, इस आपको जो है फैमिली कार्ड बनवाना होगा प्रत्येक परिवार के अंतर्गत, यहाँ पर देख लीजिए अगर गलत सूचना दी तो कार्रवाई होगी। जो रियल है इनकम है आपका वही आप दिखाइएगा, ठीक है। आय के साधनों से जुड़ेंगे यहाँ पर, इसमें लाभ मिलेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए सफाई अभियान चल रहा है, यहाँ पर कल 2 अक्टूबर था तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर जानकारी मिली है, ग्राम पंचायत के अंतर्गत सुविधाएँ दी जाएंगी। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये, तो ये जो है ऋण के लिए यहाँ पे बता दिया है सरकार ने, बोला है कि हमने 1,00,000 युवाओं को जो है ब्याज मुक्त जो है कर्ज देंगे एक तरीके से, और 4,000 करोड़ की जो है इसमें बढ़ेगी आय, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें 10,00,000 जो है क्योंकि में जो है 10 साल में तैयार कर देंगे और 2 चरणों में मिलेगा आपको अनुदान यहाँ पर जो है ये। और आपको किसी तरीके का कोई गारंटी नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ बिना गारंटी के 5,00,000 रुपये का ऋण देंगे रोजगार के लिए जो है उत्तर प्रदेश को युवाओं को मिलेगा यहाँ पर जो है ये। और देख लीजिए यहाँ पर नौकरी करने की जरूरत ही नहीं, अपना बिजनेस खोलिएगा। पर हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि इंटर पास वाले यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं आप शैक्षिक योग्यता इंटर पास आवेदकों को मिलेगी प्राथमिकता। 5,00,000 के ऋण को जो 4 वर्षों में सफल भुगतान के लिए युवाओं को जो है देना होगा। 4-5 साल में दे दीजिए, 1 साल में 1,00,000 जमा करेंगे तब भी आपको पूरा इसमें कर्जा निकल जाएगा। और इलेक्शन आता है तो फिर इलेक्शन में आप सभी जानते हैं बाद में जो है माफ़ भी कर दिया जाता है ऋण यहाँ पर जो है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 6 महीने तक कोई किस्त नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पर युवाओं को यहाँ पर जो है। और ये ऋण जो होता है ऐसा नहीं आए बाप ऐसा आराम एक ही ज़िंदगी जीने, नहीं है ऐसा, मतलब रोजगार के लिए युवाओं को जो है बिना गारंटी 5,00,000 रुपये का ऋण इसमें दिया जाएगा यहाँ पर जो है। वहीं पर जो राजस्थान लोकसभा के अंतर्गत यहाँ पर जो 733 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, 18 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट है। 21-40 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिए और यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा। वहीं पर अभी आंगनवाड़ी भर्ती चल रही है, 18-35 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। 23,753 पदों पर जो है भर्ती आ चुकी है, 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिए। उत्तर प्रदेश में निकालेंगी भर्तियाँ यहाँ पर जो है।
और एक भर्ती यहाँ पर चल रही है आपका जो है NLC इंडिया की तरफ से, यहाँ पर 56 पदों पर वैकेंसी चल रही है, इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं RRB की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी चल रही 14258 पदों पर भर्ती चल रही, 16 अक्टूबर 2024 की लास्ट डेट है। ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये दे रखी है और यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दिया। 18 से 36 साल को उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। SC ST को जो 5 साल छूट और OBC को 3 साल की छूट मिलती है, आप सभी जानते हैं। अभी आपका उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं आई है, आपका जो राजस्थान सरकारी तरफ से यहाँ पर जो है ये भर्ती आ चुकी है। 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन जारी हो, जो सरकारी वाली बता रहा हूँ 6 नवंबर 2024 की जो है लास्ट डेट यहाँ पर जो ये 18 से 40 साल को उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इसमें जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है और यहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दिए। अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो केवल जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को जो है ये नौकरी जो है घर में मिल रही है, इनको ऋण दिया जाएगा, तो प्लीज़ इसके अंदर ऋण का फायदा उठाइएगा और लोन लेके तो तुरंत जो बिजनेस शुरू कीजिएगा अपना। बहुत से कहेंगे ये जो आंगनबाड़ी भर्ती आप दिखा रहे हैं सर, फॉर्म कहाँ से भरना? ऑफिसियल साइट पर जाना है आपका, हमीरपुर से वैकेंसी चल रही 15 अक्टूबर लास्ट डेट, अमेठी से भर्ती चल रही 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, बनारस से भर्ती चल रही 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप BBA बात करो, आंगनबाड़ी भर्ती कन्नौज चल रही है 17 अक्टूबर लास्ट डेट, झांसी चल रही 17 अक्टूबर लास्ट डेट। प्लीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर जाकर यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा। मैंने आपसे बोला इसराइल कोई मत जाइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसराइल भेजेंगे, 1,37,500 रुपये सैलरी इसमें दी जाएगी और टाइल और कारपेंटर और जितने भी टाइल काम करते हैं सेटरिंग वगैरह का वो सब जो विदेश जाएंगे 1,37,000 रुपये हर महीने कमाएंगे, तो प्लीज़ अभी मत जाइएगा। ये देख लीजिए वहाँ पर क्या चल रहा है, लेबनान में 8 इजरायली सैनिक मारे गए, ये देख लीजिए किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर वायरल हो रही है, यहाँ पर जो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है ये चल रहा है। बात करेंगे अब कोचिंग संचालक के, यहाँ पर रुपये लेकर 129 जो है युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया गया, मतलब एक साल पहले जो पैसे दिए थे 11वें सचिवालय में, यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी नौकरी के नाम पर इन्होंने 13-14 लाख रुपये भाई इकट्ठा करें। देखो और यहाँ पर देखो यहाँ पर नौकरी मिलने की खुशी में जो है युवक ने घरों में बाटी मिठाई, तो कुछ ने की शादी तय, ठीक है, उन्होंने कहा सरकारी नौकरी लगी पर ऐसा कुछ नहीं। जब सचिवालय पहुंचे तब उनको पता लगा कि फर्जी नियुक्ति पत्र यहाँ पर थमा दिया गया है, कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो ये इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो ये और बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा ही सामने देखने को आया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऐसा जो किसी के नाम पर पैसा मत दीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए बुला बुला के जालसाजों ने जो है नियुक्ति पत्र थमाया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं पर जो DLED की सीटें जो है 2.28 लाख सीटें इसमें जो है वो इस समय जो आवेदक आए थे इसमें 1 लाख आवेदन भरे, मतलब क्या 2.28 लाख इसमें सीटें खाली हैं, तो जिसके अंदर 1 लाख फार्म अभी आए हैं ना, तो कोई करना ही नहीं चाह रहा कि भर्ती कोई आ नहीं रही है, DLED वाले की भर्ती नहीं है, 6-7 साल हो गए DLED करके खुद बैठे पड़े यहाँ पर जो है लोग वार्ड, तो क्या करेंगे। प्रधानाचार्य का अध्याचन पद हेतु जो स्थानांतरण नहीं कर सकते यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने बता दिया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे लड़के ये मेरे पास ये भेज रहे हैं, 2 अक्टूबर का पे लेटर है, कल उन्होंने कहा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने बताया कि 6 साल से भर्ती अभी नहीं आई यहाँ पर जो है ये, तो लोग और परेशान, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जल्द से भर्ती की जाए पर ये नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कल लड़कों ने यहाँ पर जो है ये लेटर भी यहाँ पर जो है डबल बेंच में डाला गया है। ये तो ये UP के अंतर्गत बाबुओं की भर्ती आई या आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ही बताई गई यहाँ पर जो है ये। वहीं पर संविदा कर्मचारी को अभी भर्ती हुई थी यहाँ पर, अब शिक्षा मित्रों का रसोई का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है, उन्होंने कहा है कि इनका मानदेय बहुत जल्द बढ़ेगा और यहाँ पर लिखा हुआ देखो करीब जो है 5.81 लाख इसमें जो है कर्मचारी संविदा और मतलब आउटसोर्सिंग और दैनिक मजदूरी मानदेय पर काम कर रहे हैं, उनका दीपावली पर जो है सैलरी बढ़ा दी जाएगा, सभी का सैलरी बढ़ेगा लगभग जो है इसमें इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। भाई ने कमेंट किया हुआ यहाँ पर देख लीजिए, इस कमेंट का मैंने रिप्लाई कर दिया है कल की वीडियो में, देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। और इसके बाद यहाँ पर जो है उन्होंने ये भी कहा कि GIC में चपरासी भर्ती कब तक निकलेगी सर जानकारी बताइएगा, 10th 12th वाले वैकेंसी तो खैर आएगी, मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसी बात नहीं वैकेंसी ना आए, वैकेंसी तो 100% आनी ही है, एडिट कॉलेज में भी चल रही है यहाँ पर जो आपकी जो है ये। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।